अगर हम किसी के घर में जाते थे, किसी के घर में जाते थे तो हमें पहले क्या मिलता था? हमें आदर सत्कार के लिए दूध दही छाछ लस्सी दिया जाता था। लेकिन आज क्या दे रहे हैं? आज जब कोई हमारे घर में आता है तो हम उसे चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। आज हमारा एक, आप मानो कि आज हमारा एक जो है कि हमारा ये बन चुका है, रीति रिवाज बन चुका है कि आज हम लोग हेलो आज क्या हो चुका है? आज हमारे घर में कोई आता है तो हम उसे क्या देते हैं? पहले क्या देते थे? पहले हम उसे पिलाते थे दूध दही छाछ लस्सी पानी। आज क्या पिलाते हैं? चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक। अब आप, मैं बताऊं, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है जो 200 ग्राम की। अब मैं आपको एक बहुत ही कड़वा सच्चाई बताता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे घर के बच्चे हैं, वो जब स्कूल जाते हैं तो आज क्या होता है, आज पानी का मतलब, आज अगर प्यास लगती है, अगर एक नए बच्चे को प्यास लगती है तो वो पानी नहीं पीता है, वो क्या पीता है? कोल्ड ड्रिंक। अगर उसे 3 बार प्यास लगेगी दिन में तो 3 बार कोल्ड ड्रिंक पिएगा, ना कि पानी पिएगा। ये बात आप लोग एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप सोचो कि एक जो कोल्ड ड्रिंक की 200 ग्राम की बोतल है, नेट, सारे लोग नेट चलाते होंगे, आप नेट पे सर्च कर लेना कि एक जो कोल्ड ड्रिंक की 200 ग्राम की बोतल है उसके अंदर 16 चम्मच चीनी मिलाई जाती है, 16 चम्मच, क्योंकि इसमें एक कैफीन नामक बहुत ही कड़वा पदार्थ होता है, उसकी कड़वाहट को कम करने के लिए चीनी मिलाई जाती है। अब आप सोचो कि अगर आपको एक गिलास पानी में 16 चम्मच चीनी मिला के दिया जाए, क्या आप पियोगे? लेकिन हम इसको दिन में 3 बार 4 बार 5 बार पीते हैं। जितनी बार प्यास लगी, जितनी बार पार्टी में गए, जितनी बार किसी के घर में गए, हमने उतनी बार कोल्ड ड्रिंक पिया। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसकी वजह से आपका हाई बीपी, लो बीपी, उसके बाद आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपके दांत सड़ रहे हैं, आपके शुगर की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? अरे मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ, मुझे ये बीमारी कहाँ से आ गई? लेकिन आपके बीमारी आपके घरों में है। नेक्स्ट, आप देखो ये है बर्गर, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी से हम लोग खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। अगर मैं बात करूं बर्गर की, तो बर्गर के अंदर शैम्पू का केमिकल मिलाया जाता है और हम उसको खा रहे हैं, बहुत अच्छे से खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं और उसमें शैम्पू का केमिकल मिला हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद आप लोग बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे में केक लाते हैं, बहुत खुशी से लाते हैं। ऐसे एक कोई यहाँ पर ऐसा कौन शख्स बैठा है जो मुझे ये बता सकता है कि मैं बर्थडे का केक लाया था और उसके अंदर मुझे चींटी, मक्खी या मच्छर मिला किसी को आज तक? क्योंकि उसमें ऑलरेडी कीटनाशक दवा मिलाई हुई है। आप देखो, आपके घर में जब बर्थडे होता है ना, आप केक का इतना बड़ा टुकड़ा लेना और अपने फर्श पे डाल देना, फर्श पे उठा के फेंक देना, 3-4 दिन छोड़ देना, ना उसमें मक्खी बैठेगी, ना कोई मच्छर आएगा, ना कोई चींटी आएगी। रीजन आपको बताता हूँ, जो ये लोग बनाते हैं उनको आपकी जिंदगी से कुछ नहीं लेना देना, उन्हें आपकी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, उन्हें चाहिए पैसा। उनको पता है बर्थडे कितने बजे मनाया जाता है, कितने बजे मनाते हैं हमें, शाम को 6 बजे। अगर काले केक में काली चींटी पड़ जाएगी आपको पता चलेगा? लेकिन एक आदमी के केक में अगर चींटी निकल गई, मक्खी निकल गई, तो वो दोबारा केक खरीदेगा नहीं। भैया यहाँ तो पैसे कमाने हैं, और पैसा कमाना है तो उनको आपकी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो ऑलरेडी आपके केक में कीटनाशक दवा मिला के रखते हैं ताकि कोई भी मक्खी और मच्छर आपके उसके पास ना आए। उसके बाद नेक्स्ट, ये क्या है बच्चे, बताओ क्या है? आइसक्रीम बताता हूँ, आप लोग आइसक्रीम बहुत मन से खाते हो और हम अपने बच्चों को भी बहुत खुशी से खिलाते हैं। अब इसका, अब आपको मैं बताता हूँ आइसक्रीम बनती कैसे है, आप बताओ आइसक्रीम कैसे बनती है?
दूध से या दूध से बनती है या मलाई से बनती है? आप बताओ कितने लोगों ने आइसक्रीम बनाया और 6 महीने तक वो आइसक्रीम चली है? कितने लोगों ने बनाया ऐसी आइसक्रीम? कुछ लोग घर पे भी आइसक्रीम बनाते होंगे ना, कुछ माँ बहने हैं जो घर पे भी आइसक्रीम बनाती हैं। लेकिन आप बताओ कोई दूध का आइटम 6 महीने तक चलता है क्या? लेकिन आप आइसक्रीम का एक पैकेट लेना, उसपे लिखा रहता है वैलिड इन 6 मंथ, यानी 6 महीने तक आप उसे खा सकते हो। अब बताओ जो हमारे घर में बनता है वो महकने लगता है, और ये क्या ऐसा क्या करते हैं, ये कहां से गाय लाते हैं, भैंस लाते हैं, जिसके दूध की बनी हुई आइसक्रीम 6 महीने चलती है? आप बताओ। और हम बोलते हैं कि बीमारी कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। अब मैं आपको बताऊं, एक तो इसके अंदर उन्होंने केमिकल डाल दिया, दूसरा इसके अंदर जो कलर डाला जाता है उस कलर में ऑलरेडी हीनर मिला के डाला जाता है। हीनर क्यों? क्योंकि आइसक्रीम का शौकीन कौन होता है? बच्चे होते हैं। अगर आपके बच्चे के कपड़े पे गिर जाएगा तो वो कलर जो है कलर लग जाएगा, इसकी वजह से ऑलरेडी वो थिनर मिला के डालते हैं, ताकि आप जो है एक बार कलर गिर भी गया तो आप एक बार साफ करोगे वो साफ हो जाएगा, ऐसे झटक भी दोगे ना तो वो कलर छूट जाएगा, क्योंकि उसमें थिनर मिला के डाला हुआ है। अब आप बताओ कि एक तो कलर डाला है, दूसरे उसमें केमिकल डाला है, तो कैंसर होगा कि नहीं होगा? और ये एक दिन में नहीं होता है, ये हम बच्चों को जब छोटे छोटे से खिलाते हैं और जब बच्चों की उम्र 30 साल से ऊपर हो जाती है तब उनको समझ में आता है कि ये बीमारी मेरे अंदर कहां से आ गई, मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं, लेकिन हम उनकी अंदर बीमारियों को पाल रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद एयर पॉल्यूशन आपका इतना बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, रेडिएशन। हमारे घर में आप 3-3, 4-4 मोबाइल है। मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा आपको फ्री की एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रात को सोते समय, दिन में आप जो भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को सोते समय मोबाइल को कम से कम 10 फीट दूरी पे रखिए। अगर आप मोबाइल सर के नीचे लेके सोएंगे, सर के नीचे, बच्चे आपके साथ में सोते हैं, बच्चों के नीचे आपने मोबाइल रख दिया, उनके सर के नीचे मोबाइल है, आपने सुना होगा आज से कुछ समय पहले सुबह सुबह नेटवर्क बहुत तेज पकड़ता है, नेटवर्क नहीं पकड़ता, आपका रेडिएशन बहुत तेज होता है। उस समय क्या है, अगर आपके बच्चे के सर के नीचे मोबाइल होगा तो उसका रेडिएशन, उससे समस्या क्या होगी पता है? माइग्रेन, चिड़चिड़ापन। आप देखोगे कि आपका बच्चा चिड़चिड़ापन हो रहा है, माइग्रेन की समस्या हो रही है, बार बार उसको सर दर्द हो रहा है, आधा सर दर्द होता है, इस टाइप की समस्या उसे क्यों हो रही है? आपके मोबाइल की वजह से। आप तकिए के नीचे लेके सो गए, बच्चे के वाइब्रेट करता है और उसकी स्मरण शक्ति भी कमजोर हो रही है, रीजन क्या है? मोबाइल। तो दिन में आप जैसे भी इस्तेमाल करें, लेकिन रात को अपने बच्चों से वो मोबाइल को दूर रखें। ये सारी बहुत सारी बीमारियां इन चीजों से पैदा हो रही है, जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, उसके बाद आर्थराइटिस, हाथ पैर का टेढ़ा हो जाना, ओबेसिटी, उसके बाद हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां, कैंसर, हड्डी का खोखला हो जाना, ये सब बीमारियां इन चीजों की वजह से हो रही है। मैं आपको छोटी सी 2 फ्री की एडवाइस दे करके अपने बात को यहाँ खत्म करना चाहूंगा कि आप अगर 2-3 चीजें अपने घर में सही तरीके से कर ले तो आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। पहला तो आप सुबह उठते ही कम से कम गर्म गुनगुना पानी पीजिए 2 गिलास, और उसके बाद हमारे घर के अंदर, हमारे किचन के अंदर ही बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने वाली दवाएं हैं, एंटीबायोटिक दवाएं हैं हमारे किचन के अंदर। कौन कौन सी दवाएं हैं आप देखो, हल्दी दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, अदरक, उसके बाद मसालों में जैसे तेज पत्ता, आपका जो है इलायची, लवंग, ये बहुत सारे जो है आपके बीमारियों को खत्म करने के सक्षम है। लेकिन आज की डेट में हम इतने आलसी हो चुके हैं कि हम ये भी पिसा पिसा मंगाते हैं, सब्जी मसाला पीस के आता है, गरम मसाला पीस के आता है, आपको पता है उसमें कोई मसाला नहीं है, उसमें फ्लेवर है, केवल फ्लेवर, और हम फ्लेवर खाते हैं न कि हम मसाला खाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने खड़े मसाले को खरीदिए और उसको पिसवाइए।
आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आप अपने घरों में इन छोटी छोटी चीजों को बचा करके आप अपनी बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। जिन लोगों को कुछ बीमारी हो चुकी है वो हमारे सिस्टम है, हमारी संस्था है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और मैं बताता हूँ कि जो लोग डॉक्टर से परेशान हो चुके हैं, जिनको ये लगता है कि अब मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती है, वो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन लास्ट में जरूर एक बार मिल के आएंगे कि वो बता सकते, वो मतलब जान सकते हैं कि ये बीमारी क्यों है, प्लस इस बीमारी को हम डॉक्टरों से परेशान होकर के अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतना बड़ा पावर है कि जिससे जिसको ले करके आप उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं और आप लोग अपने परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। और मैं मैम को दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैम ने मुझे मौका दिया और थैंक्स करूंगा मैम हमारे सिस्टम में आई। और आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी बात को इतना पेशेंटली सुना, लेकिन अगर आप अपने इसको थोड़ी सी जिंदगी में उतार लेंगे तो शायद आपका परिवार, आपकी फैमिली और आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच चतुर्वेदी सर, आपने अपना हमें हेल्थ के रिगार्डिंग इतना अवेयर किया, सो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज जगदीप कौर मैम। मैम अपना टाइम निकाल के आए, मैम का एक्चुअली ग्रूमिंग सेशन और शूट्स वगैरह चल रहे हैं, सो मैम थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे लिए आए। थैंक यू सो मच मैम, वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू and you are such an inspiration to all the ladies out there, seriously. And Krishna ma'am, aap bhi aa jaiye. Krishna ma'am aa jaiye ma'am.